हेलो दोस्तों, टेक इंट्यूट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आगे की क्लास देखिए, आज की पूरी क्लास टेक्निकल है, तो इसमें ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है और समझ में नहीं आता। बहुत सारे डिज़ाइनरों को मैंने देखा है कि जो है वो इसमें फंस जाते हैं। तो देखिए, तो हम जो है यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं हाइड एजेस। इसके पहले तक का हो चुका है, इसके पहले के वीडियो में हाइड एजेस क्या करता है, जितने भी आपने बहुत सारे सिलेक्शन कर लेते हैं, जब हाइड एजेस दबाते हैं तो मतलब वो छुप जाता है। कंट्रोल एजेस का शॉर्टकट है, ताकि हम अच्छे से उसको देख के उसके उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकें। देख सकते हैं हाइड एजेस। उसके बाद हाइड स्लाइसेस, अगर आपने कुछ भी स्लाइस यूज़ किया है, जैसे कि ये वाला स्लाइस, तो अब इसको हाइड कर देना, यानी ये प्रॉब्लम कर रहा है आपको देखने में, तो हाइड स्लाइसेस, तो ये स्लाइस हो जा रहा है, ठीक है, स्लाइस हाइड हो जा रहा है, ठीक है। हाइड स्लाइस के बाद लॉक स्लाइसेस, अगर ये कोई भी स्लाइस है तो आप उसको लॉक कर सकते हैं सिंपली। जैसे हमने हाइड किया हुआ है स्लाइस, सो स्लाइस, और इसको आप लॉक भी कर सकते हैं, लॉक स्लाइसेस। ये देखिए लॉक हो गया, अब एडिट नहीं होगा, ठीक है। और फिर सिंपली अब दोबारा क्लिक करेंगे तो लॉक निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाइड आर्टबोर्ड, जितने भी आपके आर्टबोर्ड रहेंगे अगर कहीं पर भी, तो आप उसको हाइड कर सकते हैं। ये पूरा वर्क एरिया है, ये आर्टबोर्ड नहीं है, तो हाइड आर्टबोर्ड, शो आर्टबोर्ड। इसके बाद आता है शो प्रिंट टाइलिंग। ये जो टाइलिंग होता है, जैसे हमने प्रिंट जब किया, प्रिंटर की जो सेटिंग है, जैसे इसमें डिफ़ॉल्ट A4 पेपर है और हमने जो पेपर सेलेक्ट किया हुआ है ये A3 है, तो ऐसे में जितना प्रिंट होने वाला है वो दिख रहा है, तो ऐसा भी आप देख सकते हैं व्यू प्रिंट टाइलिंग ऑन करके, ये कितना आपका प्रिंट होने वाला है। एक टूल में भी है वो ऑप्शन, टूल्स वाली क्लास में देख लीजिएगा, जिससे कि आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं प्रिंट करने के लिए प्रिंट टाइलिंग के थ्रू। उसके बाद आता है हाइड टेम्पलेट। हाइड टेम्पलेट ये होता है कि टेम्पलेट अगर आपने यूज़ किया है तो वो टेम्पलेट हाइड हो जाएगा, अगर यूज़ किया है तो। शो बाउंडिंग बॉक्स, ये अक्सर आदमी परेशान हो जाता है, जैसे हमने ये सेलेक्ट किया और इसमें शो बाउंडिंग बॉक्स अगर नहीं है, ये हाइड है, अभी मैंने हाइड पर दबा दिया तो ये कंट्रोल चला जाता है, अब आप परेशान हो गए कि कैसे इसको छोटा करें बड़ा करें, तो इसके लिए ऑप्शन है शो बाउंडिंग बॉक्स, जो कि आपको कंट्रोल देता है कि आप कैसे छोटा बड़ा करेंगे। अगर ये अक्सर बंद हो जाता है, कभी गलती क्लिक हो गया कंट्रोल शिफ्ट भी तो चला गया, इसका शॉर्टकट है, तो ऐसे में आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं शो बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, हाइड बाउंडिंग बॉक्स तो शो रहना चाहिए, नहीं तो आप प्रॉब्लम हो गया। शो ट्रांसपेरेंसी ग्रेड जो है, ये ऑप्शन जो है ये आपको फोटोशॉप की तरह पूरा ट्रांसपेरेंट दिखेगा, यानी अगर आपने कुछ कलर भरा है या कुछ भी इमेज है वो कटआउट है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट दिखेगा, क्लियर विजिबिलिटी के लिए ये है। और इसको फिर दोबारा क्लिक करके हाइड ऑन ऑफ कर सकते हैं। कंट्रोल आर रूलर का शॉर्टकट है, रूलर अभी ऑन है तो एक बार और दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल आर के बाद अब इसमें रूलर्स में जो है चेन टू आर्टबोर्ड रूलर, यानी कि यहाँ से जीरो होगा, आर्टबोर्ड से ही अलाइन होगा इसका जो भी पॉइंट्स है, और यही अगर ग्लोबल कर देंगे तो वो आगे से यहाँ से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। और रूलर्स तो ये हमको आर्टबोर्ड से ही रखना बेटर है, और रूलर्स में हो गया। अब हाइड ग्रेडियंट एनोटेटर, ये क्या करता है, जब भी हमने ग्रेडियंट फिल कर दिया, अब ये हम जब ये ग्रेडियंट टूल ले रहे हैं तो देख सकते हैं, ये आपको हमको एक ये मिल रहा है, पैरामीटर दिख रहा है कि हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर ये हमने हाइड कर दिया तो अब वो दिख नहीं रहा है, तो ऐसा भी होता है, लोग परेशान होते हैं कि ये कहाँ गया, क्यों नहीं दिख रहा है, तो इसका ये हाइड शो ग्रेडियंट एनोटेटर, Alt Ctrl G। कभी कभी गलती से क्लिक हो जाता है और आदमी परेशान होता है कि ये मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।